नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी पंजाब में चुनाव प्रचार कर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब के हलका पूर्वी में विधायक संजय तलवार के समर्थन में कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज रोड शो करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य भर में 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मशहूर गायक बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार आज मुंबई के जुहू में पवन हंस शमशान घाट में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, वहीं 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च से होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय 1 साल 11 महीने बाद आज फिर से खुलने जा रहा है। आज से मध्य प्रदेश के मंदसौर में उद्यम क्रांति योजना शिविर लगाया जाएगा, जिसमें व्यवसायियों को सेवा हेतु व्यावसायिक ऋण दिया जाएगा। नीट राउंड टू काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की सुविधा आज से उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी, जहां नीट 2021 काउंसलिंग राउंड टू के लिए योग्य उम्मीदवारों को 21 फरवरी तक पंजीकरण करना होगा और ऑप्शन भरना होगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव के आखिरी चरण में वाराणसी में नामांकन की आज अंतिम तिथि है। आज से यूपी के मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित मेडिकल कॉलेज एवं डेंटल कॉलेज में परीक्षाएं होगी। झारखंड में ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन, रिम्स एवं अन्य मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक पदों पर आरक्षण नियमावली लागू नहीं करने को लेकर आज रिम्स के निदेशक का घेराव करेगा। बिहार के सरकारी दफ्तरों में फाइल को टालने वाली प्रवृत्ति पर लगेगी अंकुश, जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। दिल्ली सरकार ने केंद्र से निर्भया फंड के तहत 11.9 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है, जहां 1000 से अधिक डार्क स्पॉट की पहचान कर उन स्थानों को रोशन किया जाएगा। पंजाब में कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने पगड़ी वाले बयान पर प्रियंका गांधी को घेरा और बोले, कैप्टन अमरिंदर से दोस्ती रहेगी जारी। हरियाणा सरकार ने 4 साल से लंबित भीम अवार्ड खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है, जहां टोक्यो ओलंपिक के तमाम खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। उत्तराखंड में अलग अलग बूथों पर मतदान की फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के मामले में 8 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रायगढ़ में राजस्व अधिकारियों और वकीलों के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखकर वकीलों के खिलाफ दर्ज झूठे आपराधिक प्रकरण को तत्काल वापस लेने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा 2022 के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बंगाल में भाजपा ने आसनसोल, सिलीगुड़ी, विधाननगर व चंदन नगर नगर निगम में फिर से मतदान के लिए हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की है। उड़ीसा सरकार ने चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए गुलाबी बूथ बनाए हैं, जहां पहले चरण के बाद अब 18, 20, 22 और 24 फरवरी को मतदान होना है। महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी को तलब किया है। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आरक्षण आंदोलन के दौरान विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान के 5000 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहीं परेशान परिजनों ने बताया कि देश लौटा तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। IIM बोधगया टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती निकाला है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट IIMBG.ac.in के माध्यम से 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया में इसी साल खेले जाने वाले T20 विश्व कप में खेलने उतरेगा, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में ये मैच होगा। पति से अलग होने के बाद राखी सावंत के मुश्किल समय में अब उनकी खास दोस्त सोफिया हयात उनके सपोर्ट में आई, जहां सोफिया हयात ने कहा कि राखी सावंत को इलाज की जरूरत है।
तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।